लेकिन लोगों में मलाल रह गया कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अभी भी हमारे इलाके में या हमारे नेता के पास नहीं आई। तो ये चीफ मिनिस्टर वाली लड़ाई या चीफ मिनिस्टर की जो मंशा है वो यहाँ भी पूरी नहीं हो पा रही और लोग इसको लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं। अगर हमारा एरिया साथ नहीं देता तो 2014 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। तो जो मेरे से बातचीत हुई थी वो बिहाइंड द लाइन्स तय कर करके ही कोई ज्वाइन करता है ना, तो ऐसे तो कोई नहीं करता। तो मैं सारी चीज़ तो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता। तो ये क्या देखते हैं कि सेकंड टर्म में भी आपको उम्मीद थी? देखो, मनोहर लाल जी जिस दिन से बने हैं ना, उस दिन से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। अच्छा। और ये पार्टी की सोच है या किसकी सोच है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मनोहर लाल जी अपने तौर के ऊपर शुरू के अंदर तो इतने राजनेता नहीं थे, अब तो समझने लग गए सारी चीज़ें। अब मानते हैं कि अब उन्होंने गुर सीख लिए सारे एक्टिव पॉलिटिक्स। हाँ, वो सारे। अच्छा, भाजपा में आप आ गए लेकिन इलाके में एक लहर चली, इलाके ने आपका साथ दिया, भाजपा की सरकार बनी, सारी सीटें जो दक्षिणी हरियाणा की अहिरवाल की भाजपा के खाते में चली गई, लेकिन लोगों में मलाल रह गया कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अभी भी हमारे इलाके में या हमारे नेता के पास नहीं आई। तो ये चीफ मिनिस्टर वाली लड़ाई या चीफ मिनिस्टर की जो मंशा है वो यहाँ भी पूरी नहीं हो पा रही और लोग इसको लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे एरिया ने चीफ मिनिस्टर बनाए भी हैं, बिगाड़े भी हैं। अगर हमारा एरिया साथ नहीं देता तो 2014 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। और उन्होंने मनोहर लाल जी को बना दिया क्योंकि पार्टी का अधिकार है किसको चयन करे, एक बार तो उन्होंने मनोहर लाल जी को बना दिया। हमारे लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट भी किया कि भाई इसके बारे में तो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, आकर के ऐलान कर दिया कि मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो मेरी बात हुई थी जब मैं ज्वाइन किया था राजनाथ सिंह जी से, वो राजनाथ सिंह फिर पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे, वो बन गए थे होम मिनिस्टर। अच्छा। उस टाइम के ऊपर तो जो मेरे से बातचीत हुई थी वो बिहाइंड द लाइन्स तय कर करके ही कोई ज्वाइन करता है ना, तो ऐसे तो कोई नहीं करता। तो मैं सारी चीज़ तो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता, लेकिन उस टाइम के अंदर मुझे आशा थी कि शायद मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, लोगों को भी आशा थी कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। और जब सरकार बन गई तो ये लोगों को महसूस हुआ कि भाई ये हमारे आदमी को क्यों नहीं बनाया गया। तो अब वो पार्टी का फैसला था, हमको निभाना पड़ा उसके अनुसार। उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर बन जाते हैं और कई चीज़ें शुरू होती हैं। हम देखते हैं कि बीच में आप कई चीज़ें उनको कह देते हैं या उनकी तरफ से, हालांकि कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं आई, या फिर पार्टी में जो आपका कद है उसको देखते हुए मतलब कोई नेता इस तरह की हिम्मत नहीं करता। दूसरा टर्म आ जाता है पार्टी का और दूसरे टर्म में 75 पार का नारा दिया जाता है, वो नारा आप सफल नहीं हो पाते, उसमें सीटें आपकी कम रह जाती हैं और इस इलाके से भी एक दो सीटें आप जैसे रेवाड़ी की है और महेंद्रगढ़ की सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में चली जाती है और मेवात की भी 3 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। तो ये क्या देखते हैं कि सेकंड टर्म में भी आपको उम्मीद थी, क्योंकि सेकंड टर्म में भी पार्टी ने तो मनोहर लाल खट्टर को ही चेहरा बनाया और बाद में उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया, बाकी लोग भी थे, आपके जो पड़ोसी रामविलास शर्मा जी हैं इस तरह के लोग भी दावेदार थे। देखो, मनोहर लाल जी जिस दिन से बने हैं ना, उस दिन से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। अच्छा। और ये पार्टी की सोच है या किसकी सोच है मुझे तो पता नहीं, लेकिन इस तरह की बातें अफवाहें आती रहीं, चाहे रामविलास हो, चाहे अभिमन्यू हो, चाहे अनिल विज हो, या धनखड़ साहब हो, या राव इंद्रजीत सिंह हो, मतलब ये इस तरह की अफवाहें चढ़ रही थी, ये हटेंगे तो शायद ये बन जाएगा या ये बन जाएगा ये बन जाएगा। तो इस तौर के ऊपर लोगों को मतलब उन्होंने बागी होने नहीं दिया और उम्मीद के ऊपर ही मतलब चलाते रहे। हाँ, तो वो स्ट्रैटेजी थी भारतीय जनता पार्टी की। मनोहर लाल जी अपने तौर के ऊपर शुरू के अंदर तो इतने राजनेता नहीं थे, अब तो समझने लग गए सारी चीज़ें। अब मानते हैं कि अब उन्होंने गुर सीख लिए सारे एक्टिव पॉलिटिक्स। हाँ, वो सारे सीख लिए हैं।